ओ हाँ भाई लौंडो, सब बढ़िया। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमसी क्लब हाउस है वो कैसे चेंज हुआ है क्रिमिनल एंटरप्राइजेस की अपडेट के बाद में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस किस तरीके से अब आप एमसी क्लब हाउस से भी पैसे कमा सकते हैं, अब वो बेकार नहीं रहा है, इससे अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको अपनी मेज बैंक की वेबसाइट पे जाके आपको एक क्लब हाउस खरीदना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेट चैपल क्लब हाउस ही खरीदें क्योंकि ये बहुत चीप है, $200,000 का ये आपको मिल जाएगा। फिर इसमें आप जो भी आपको अपग्रेड करानी है, ये सब अपग्रेड्स कराने के बाद में ये आपको लगभग 1 मिलियन का पड़ जाएगा। तो ठीक है, अच्छा है, आप खरीद सकते हैं इसे। और जो अपडेट आई है उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद ये चेंजेस आए हैं कि आपको कस्टम बाइक शॉप खरीदनी पड़ेगी। उसके अंदर आपके कस्टमर्स आएंगे अपनी बाइक्स लेके, उसको आप एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स आपको मॉडिफाई करके देना पड़ेगा, जिस भी तरीके से आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप उनकी बाइक खरीद भी सकते हैं। तो एक काफी ये मेजर चेंज है। आपको कस्टम बाइक शॉप पड़ेगी $530,000 की, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट ये आपको इतना पैसा कमा के दे देगी कि ये वर्थ रहेगी आपके लिए। तो पहला जो मेजर चेंज है वो ये है कि आपको ऐसी एक अपनी एमसी क्लब हाउस की वॉल पे आपको ये तीन मिशन दिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिशंस नए आए हैं, ये तीन आपको मिशंस दिखेंगे। इन तीन मिशंस में से अभी मैंने सिर्फ एक ही मिशन किया है जो कि सिंगल प्लेयर कर सकता है, बाकी के दो मिशन मेरे ख्याल से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, ये फ्रेजाइल गुड वाला और गन्स फॉर फायर वाला। मैंने लाइफ एंड डेथ बाइक किया है, काफी अच्छा मिशन है, काफी वैरायटी है इस मिशन के अंदर, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अभी ये डबल मनी या मेरे आई थिंक ट्रिपल मनी चल रहा है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, काफी अच्छा है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कस्टम बाइक शॉप के बारे में, काफी अच्छा चेंज है ये, इससे आप काफी पैसा कमा सकते हैं। कस्टमर अपनी बाइक्स लेके आएंगे, आपको उनको मॉडिफाई करके देनी है, उनकी बाइक की सर्विस करके देनी है, तो काफी अच्छा पे है इसका। फर्स्ट टाइम जैसे आप किसी की भी बाइक डिलीवर करेंगे तो आपको $150,000 मिलेंगे। ये चेंज भी हो सकता है, और जो आपकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट है वो भी वेरी कर सकती है व्हीकल टू व्हीकल, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी शायद ट्रिपल मनी है तो इस वजह से मुझे $150,000 मिले हैं, मेरे हिसाब से इसमें $50,000 आपको मिलेंगे, और हो सकता है चेंज भी हो एज पर द व्हीकल, अगर कोई और मोटरसाइकिल हुई तो चेंज भी हो सकता है। तो ये काफी अच्छा चेंज है जो एमसी क्लब हाउस में हुआ है, इससे एमसी क्लब हाउस थोड़ा लाइवली हो गया है, ये बेकार नहीं रहा, काफी पैसा कमा सकते हैं इससे भी। और जो लास्ट चेंज हुआ है एमसी क्लब हाउस में वो ये हुआ है कि जैसे ही आप अपने बारटेंडर के पास जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑर्डर अ ड्रिंक और रीसप्लाई बार। तो रीसप्लाई बार के अंदर वही है जैसे कि आप अपनी सप्लाईज लेके आते हो और उसको लाके अपने बिजनेस को देते हो तो वो उसको कन्वर्ट करता है स्टॉक में, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सप्लाईज लाके देनी है। इससे क्या होगा, आपके बार के अंदर बंदे आएंगे और वो सप्लाई आपको पता है लेकर वगैरह होगा, तो ये आपको सप्लाईज लाके देनी है। मेरे ख्याल से अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है बट मेरे ख्याल से हर 48 मिनट के अंदर एक बार सप्लाई मिशन मिलेगा, जैसे एक डे होता है GTA का, आपको एक बार वो करनी पड़ेगी और फिर वो आपकी जो सप्लाई बार है वो फुल रहेगी। कोई इंडिकेशन बार नहीं है इसके अंदर, कोई आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी सप्लाईज कितनी है और कितनी बची है, तो ये एक इसका थोड़ा सा मुझे थोड़ी गलत चीज लगी। अब एक सप्लाई बार और ऐड कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता, समझने में आसानी रहती, बट रॉकस्टार ने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। आपका बहुत इजी मिशन होगा, आपको जाना है, नॉर्मल मिशन है, आपको एक वैन मिलेगी सप्लाईज की, वो आपको लाके अपने क्लब हाउस में दे देनी है, तो बस इतना सा मिशन है, और इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं, आपके सेफ में पैसा आ जाएगा, एज अ पैसिव इनकम रहेगी ये। बस एक मिशन करना है एक बार जाके, और फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो। तो ठीक है, काफी सारे चेंजेस है क्लब हाउस में और काफी अच्छे चेंजेस हैं, काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है रॉकस्टार ने, और काफी पैसा भी कमा सकते हैं, जितने का ये आता है उस हिसाब से काफी अच्छे चेंजेस हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप क्लब हाउस की ये सारी चीजें एक बार एक्सप्लोर करें, क्योंकि नई चीज है। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था, बाकी गाइस सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सारा बताऊंगा कि एमसी क्लब हाउस के अंदर जैसे आप अलग बिजनेसेस खरीदते हो, जैसे कि आपका कोक हो गया, वीड हो गया, मैथ हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी हो गया, तो कौन से बिजनेस सही हैं और कौन से बिजनेस कितना पैसा देते हैं आपको, कौन सा बिजनेस बिल्कुल बेकार है आपको नहीं खरीदना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियोस आए आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं काफी सारे हेल्पफुल गाइड लाने वाला हूं आगे, जैसे कि आपका CEO ऑफिस के ऊपर भी मैं गाइड लेके आऊंगा गाइस। फिर चलते हैं गाइस इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या स्ट्रीम पे, तब तक के लिए भाई ध्यान रखो अपना, बाय बाय।